नमस्कार, आज की खबर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में आज के हमारे खबरों के सिलसिले के बारे में। आज हम आपको हमारे खबरों के सिलसिले में कौन कौन सी खबरें बताएंगे। आज हम हमारे खबरों के सिलसिले में आपको बताएंगे आज की सुर्खियों के अंदर, राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए पर्चा भरा की खबर, शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा की मेंबरशिप रद्द की खबर, कारोबार जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे बजाज ऑटो लिमिटेड लॉन्च करेगा सबसे सस्ती कार की खबर, और मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताएंगे शशि कपूर जी का निधन हो गया है की खबर, और खेलकूद की खबरों में हम आपको बताएंगे क्रिकेट की खबर। तो अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम आपको बताते हैं राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए पर्चा भरा की खबर। देश की सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी को नया प्रेसिडेंट मिलना लगभग तय हो गया है। हम आपको ये बताएं, नामांकन भरने की लास्ट डेट के रोज सिर्फ राहुल गांधी ने पर्चा भरा। यह मुकाबला एक तरफा ही होने की उम्मीद है। राहुल गांधी ही कांग्रेस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। इस मौके पर सोनिया गांधी को छोड़कर बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर मौजूद थे। नरेंद्र मोदी जी ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस को औरंगजेब मिल गया है। कांग्रेस को औरंगजेब का राज मुबारक हो। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा की मेंबरशिप रद्द की खबर। जेडीयू के नेता रहे शरद यादव और अली अनवर की राज्यसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। यह आदेश जेडीयू लीडर रामचंद्र प्रसाद सिंह की याचिका पर सुनाया गया था। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर हम आपको बता रहे हैं कारोबार जगत के बारे में, और कारोबार जगत की खबर में हम आपको बताते हैं बजाज ऑटो लिमिटेड लॉन्च करेगा सबसे सस्ती कार की खबर। बजाज ऑटो की नई कार को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की मंजूरी मिल गई है। बजाज ने अपनी नई कार को 5 साल पहले दिल्ली में आयोजित ऑटो एक्सपो में पेश किया था। बजाज की सस्ती कार का नाम है क्यूट। बजाज क्यूट में 216.6 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। यह पेट्रोल इंजन 13.2 पीएस के साथ 19.6 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगा। बजाज क्यूट की अधिकतम स्पीड 70 किलोमीटर पर हावर रहेगी। बजाज क्यूट में 5 स्पीड गियरबॉक्स है। बजाज क्यूट की कीमत 1.28 लाख एक शोरूम हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई। मनोरंजन जगत की खबरों में हम आपको बताते हैं हमारी खबर, शशि कपूर जी का निधन हो गया है। बॉलीवुड के फेमस स्टार शशि कपूर जी का निधन हो गया है। शशि कपूर जी का निधन कोकिला बेन हॉस्पिटल में मंडे की शाम को हुआ था। शशि कपूर जी कुछ समय से किडनी की प्रॉब्लम से बीमार चल रहे थे। शशि कपूर जी के निधन की खबर सुनते ही बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन अपने परिवार के साथ पहुंचे, और भी कई जानी मानी हस्तियां शशि कपूर जी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। शशि कपूर जी का अंतिम संस्कार आज मंगलवार को किया जाएगा। शशि कपूर जी का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता में हुआ था। शशि कपूर जी 79 साल के थे। शशि कपूर जी 1941 से 1999 तक फिल्मों में एक्टिव रहे। शशि कपूर जी ने साल 1958 में जेनिफर कैंडल के साथ शादी की थी, लेकिन जेनिफर कैंडल की मौत 1984 में हो गई। शशि कपूर जी के दो लड़के कुणाल कपूर और करण कपूर हैं, और उनकी एक बेटी भी है, उनका नाम है संजना कपूर। शशि कपूर जी के पिताजी का नाम पृथ्वीराज कपूर और माताजी का नाम रामसरनी कपूर था। शशि कपूर जी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। शशि कपूर जी के बड़े भाई राज कपूर और शम्मी कपूर थे। शशि कपूर जी की पहली फिल्म आग, जो 1948 में रिलीज हुई थी, इस फिल्म में शशि कपूर जी ने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया था। धर्मपुत्र मूवी, जो 1961 में रिलीज हुई थी, धर्मपुत्र मूवी में यंग होने पर डेब्यू किया था।
अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है खेल कूद से जुड़ी हुई। खेल कूद की खबरों में हम आपको बताते हैं हमारी पहली खबर, इंडिया और श्रीलंका के बीच तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज इस टेस्ट मैच का डे 4 है। हम आपको बताते हैं स्कोर कार्ड के बारे में। इंडिया ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 536 रन बनाए 7 विकेट खोकर और 127.5 ओवर के अंदर। वहीं पर श्रीलंका ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 359 रन बना लिए हैं 9 विकेट खोकर और 131.2 ओवर के अंदर। अब हम आपको बताते हैं हमारी अगली खबर, और अगली खबर आ रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है और आज इस टेस्ट मैच का डे 4 है। हम आपको बताते हैं स्कोर कार्ड के बारे में। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 442 रन बनाए 8 विकेट खोकर 149 ओवर के अंदर। वहीं पर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में खेलते हुए 227 रन बनाए 10 विकेट खोकर और 76.1 ओवर के अंदर। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में खेलते हुए 88 रन बना लिए हैं और 6 विकेट खोकर 40.2 ओवर के अंदर। अब हम आपको तो यह है हमारी आज की तमाम खबरें। आप हमारे चैनल आज की खबर को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।